अर्जुन, ये रिश्ते, ये नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये काका, मामा, भाई, पुत्र, पितामह पिछले जन्म में कहां थे? तुम्हारे क्या लगते थे? और अगले जन्म में ये क्या होंगे, कहां होंगे? इसका उत्तर है तुम्हारे पास? नहीं केशव। इसीलिए कहता हूं कि जब शरीर नाशवान है तो ये रिश्ते भी नाशवान हैं, क्योंकि ये सब नाते शरीर के हैं। और ये जो तुमने अपने पिता का उदाहरण दिया कि उनका तुम्हारा पिता पुत्र का नाता तो समाप्त नहीं हुआ, तो ये भी तुम्हारा भ्रम है, अज्ञान है। केवल तुम्हारे मन में अभी तक वो रिश्ता जीवित है, क्योंकि तुम अभी तक उसी जन्म में हो। परंतु तुम्हारे पिताश्री इस समय जिस योनि में भी होंगे, उनके लिए वो रिश्ता समाप्त हो चुका है। पिता की बात छोड़, अपनी बात करो। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, उस समय तुम्हारे सब संबंधी रिश्तेदार रोए होंगे। तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा। परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किस किस ने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं। इसलिए समझा रहा हूं कि ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है।